ओके तो बता। अच्छा कितने, ठीक है 30.2। अच्छा 31 दिसंबर 2011 बैंक कॉलम ऑफ सी टेंच कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1500। मंथली बैंक स्टेटमेंट रिटर्न अप टू 31 दिसंबर 2011 शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2950। अच्छा बैलेंस इज गिवन है। इसके बाद ऑन चेकिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा इसने बता दिया डायरेक्ट आपको कौन सी, ठीक है तो ये सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, अब करेंगे रिकॉर्ड ना। अच्छा पहले क्या, डिविडेंड ऑफ 240 हैड बीन पेड डायरेक्टली टू द बैंक। अच्छा डिविडेंड होता क्या है, इसका मतलब है डिविडेंड। हाँ देखिए कंपनी का नाम आपने सुना है, शेयर्स का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदने का मतलब होता है आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, ताकि आपको प्रॉफिट मिले। तो जब कंपनी की तरफ से आपको प्रॉफिट मिलता है तो उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ऑन शेयर्स, ठीक है। तो ये जो सी टेंच है इसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, तो कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिला है जो कि डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो अब ये पैसे आ रहे हैं तो बैंक यहाँ पे हो जाएगा, पहले ये बैलेंस लिख लेते हैं कैश बुक का 1500, और अब ये हमने डिविडेंड रिसीव किया बैंक हो जाएगा डेबिट। सेकेंड है क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ 260 हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक्स। तो क्रेडिट ट्रांसफर पैसे आ रहे हैं, ये भी 260 डेबिट हो जाएंगे। सेकेंड के बाद बैंक चार्जेस, बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे ना, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा डायरेक्ट डेबिट ऑफ 70 हैड बीन पेड बाय द बैंक, राइट। तो डायरेक्ट डेबिट ऑटोमेटिक पेमेंट है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फॉर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 200 हैड बीन पेड बाय द बैंक, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, बैंक क्रेडिट होगा। के बाद द सी टेंस डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ऑफ 1400 वाज ट्रांसफर्ड इनटू हिज बैंक करंट अकाउंट, ठीक है। तो डिपॉजिट अकाउंट से 1400 करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए, तो ये भी पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है राइट, पैसे आ रहे हैं। अच्छा ये बैंक अकाउंट्स पे भी हम बाद में बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये कि उसके डिपॉजिट अकाउंट से 1400 करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए, ये डेबिट हो गया। इसके बाद है अनफर्दर चेक रिवील द फॉलोइंग आइटम, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर चेक, तो ये कैशबुक में नहीं आएंगे। तो कैशबुक हमारी कंप्लीट हो गई, टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ गया 3400, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो ये इसका एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 3100, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश। ये रिक्वायरमेंट है इसमें बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो क्या बैलेंस है इस पर, बैंक स्टेटमेंट है आपके पास 2950। अब इसमें ये था फर्दर चेक रिवील द फॉलोइंग आइटम्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्लियर चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस होंगे और अनक्लियर चेक 690 एड हो जाएंगे। सम कर लेते हैं और ये एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 3100, और इसके साथ ये दोनों बैलेंस हमारे रिकनसाइल्ड हो गए सेम पे।